नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास कोई सा भी वीवो का फ़ोन है तो आप अपने फ़ोन में इस तरीके से कोई भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। ये सेटिंग आपके फ़ोन में होता है कि कैसे आप अपने फ़ोन में इस तरीके से विंडोज़ यहाँ पर मल्टी विंडोज़ को कैसे आप यूज़ करके एक साथ आप दो यहाँ पर ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, आप इस तरीके से अपने फ़ोन में एक साथ कई ऐप को आप जो है किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप एक साथ कई ऐप को आप जो है कि अगर आप YouTube देख रहे हैं या फिर Facebook चला रहे हैं तो आप WhatsApp पे चैटिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप YouTube देख रहे हैं तो YouTube के साथ साथ आप Facebook पर इस तरीके से आप वीडियोस देख सकते हैं Facebook पे या फिर Messenger पे आप इस तरीके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो फ़ोन है आपके फ़ोन के सेटिंग में आ जाना है यहाँ पर। और सेटिंग में आ जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार जो है इसमें आपको इस तरीके से स्प्लिट लिख करके आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च कर आप इस तरीके से सर्च करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट स्प्लिट करके ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। फिर एंटर यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करके यहाँ से आपको देख लेना है ये जो दोनों सेटिंग्स है। जैसे हमने यहाँ पर ऑन किया, अगर आपका ऑफ होगा तो इसको ऑन कर लेना है। और उसके बाद आपको होम बटन को इस तरीके से यहाँ पर होम बटन दबा देना है। और उसके बाद मान के चलिए आप किसी भी ऑप को एप्लीकेशन को एक बार इसे ओपन करते हैं और फिर आपको ये मिनिमाइज वाला जो बटन है इसको आपको एक बार क्लिक करना है। मिनिमाइज वाला बटन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन का ये लोगो है इस पर आपको कुछ सेकेंड आपको इस तरीके से यहाँ पर जो है कि इस पर क्लिक करना है। और क्लिक कर देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन करके आ गया। और उसके बाद आप यहां से देख सकते हैं जैसे आपने व्हाट्सअप को यहां पे व्हाट्सअप को अपने ओपन किया और फिर यहां से आ गया कि मैं अगर आपको अगर कोई दूसरा एप्लीकेशन विंडोज़ को यूज़ करना है तो देख सकते हैं जैसे हमारा ये व्हाट्सअप हो गया, यहां पर यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया, आप यहां से सबको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने वीवो का फ़ोन में मल्टी विंडोज़ यहाँ पर जो कि यूज़ कर सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन की मदद से। आपका कौन सा फ़ोन है, आप किस फ़ोन में इस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ।